पहले हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 7 प्रायिकता का। तुमने पूछा है उदाहरण नंबर 7, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उदाहरण नंबर 7। देखो उदाहरण नंबर 7 में क्या है, मैं आप लोगों को समझा दूं। हाँ भाई, समझने पे ध्यान दो तुम लोग, क्योंकि लिखना तो है ही नहीं, लिखना तो तुम्हारे लिए वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, तुम लिख लो चाहे ना लिख लो, वीडियो तो बनी रही, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मेन बात ये आती है उदाहरण 7 में, आप लोग समझने का प्रयास करें। इसने कहा कि एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। तो हमने एक सिक्का उछाला यहाँ से, ये एक सिक्का ये उछाल दिया, तो इसके परीक्षण पर विचार करना है। तो जब आप सिक्का उछालते हैं तो दो बातें होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो विचार होगा। भाई एक सिक्का आपने फेंका हवा में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो होगा। अब अगर मैं इस घटना की प्रोबेबिलिटी पूछूं तुम्हारे से, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी? विजय, एक सिक्का हवा में उछाला, हेड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। वेरी गुड। तो यहाँ हम इसकी प्रोबेबिलिटी अगर लिखें 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी लिखे 1/2, इट्स ओके। अभी मैंने एक लाइन पढ़ी क्वेश्चन की बस, अब आगे पढ़ते हैं। ये कहता है एक सिक्के के उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी हेड प्रकट हो। अब भाई यहाँ से आगे दो शाखाएं बन गई भाई, अगर सिक्के पे हेड प्रकट हो तो अलग कार्यक्रम होगा, सिक्के पे टेल प्रकट हो तो अलग कार्यक्रम होगा। तो ये कहता है अगर सिक्के पर हेड यानी चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है, ये तो बात कही इसने। भाई अगर सिक्के पर हेड प्रकट हुआ तो इसको दोबारा उछाला, तो दोबारा उछालने का क्या मतलब हुआ? फिर से दो विकल्प, भाई एक तो ये एच आ ही रखा, इस एच के साथ एक और एच भी आ सकता है और इस एच के साथ टेल भी आ सकता है। नहीं समझे मेरी बात? मतलब पहले नंबर पे मैं ये एच रख रहा हूँ, कभी तुम सोचो ये दो कहाँ से आ गए, ये वाला जो एच है ये इधर ट्रांसफर हो गया। भाई एक उछाल तो हो ही रखी, इसी से तो पता चलेगा कि पहली उछाल में आपके पास हेड आया था और दूसरी उछाल में क्या आएगा, या तो हेड आ जाएगा दोबारा या टेल आ जाएगा, इट्स ओके। तो अगर मैं इस घटना की प्रोबेबिलिटी देखूं तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? 1/2 तो पहले से है ही, यानी 1/2 तो इसकी आ गई, और इसकी भी कितनी होगी? 1/2 यानी 1/4। अब इस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, और इधर से पहले आ गई 1/2, यानी कहने का मतलब 1/4। इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो, इसको आप 1/4 लिख दें, इसको भी आप 1/4 लिख दें। यहाँ तक की बात क्लियर होगी या कोई दिक्कत परेशानी? विजय, अब बात आती है नेक्स्ट। अभी एक विकल्प चुना हमने, अब दूसरा विकल्प अगर हम चुन लें, यानी पहला जो सिक्का आपने उछाला था, इस सिक्के पर अगर हेड आ गया तो दोबारा फिर सिक्का उछाल रहे, तो उसका कार्यक्रम हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर पहला जो सिक्का आपने उछाला इस पर टेल आए तो इसमें क्या होगा? ये कहता है क्या हुआ? पास किया था सर। क्यों कहा था किसी ने? टेल प्रकट हुआ तो ये टेल है, ये टेल है, ये तो टेल हो ही रखा प्रकट, तो अगर टेल प्रकट हुआ तो इसके साथ तो क्या उछाला जाता है? पासा। पासे पर क्या आ सकता है? टेल के साथ 1 भी आ सकता है, टेल के साथ 2 भी आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। क्लियर? बार बार अपने आप बंद हो रहा है, अंधेरा तो नहीं हो रहा बार बार अपने आप? ठीक, तो चलती रहा, बंद मत कर, क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है ऐसा, नहीं हमारे लिए ये। तो ये आगे बात यहाँ तक, अब इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। बात करने का मतलब अगर इस टेल की बात करें तो इसके लिए तो 1/2 है ही, लेकिन एक पासे को अगर आप उछालते हैं तो कितना आता है बनाने की प्रोबेबिलिटी? 1/6। तो यानी इस 1/2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगी 1/6, 1/12। तो यहाँ भी 1/2 इंटू 1/6, 1/12, यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12, यहाँ भी 1/12, और यहाँ भी 1/6। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे उम्मीद है क्लियर हो रही होगी बात।
अब क्या कहा इसने, ये कहता है यदि घटना कम से कम एक पटक प्रकट होने को घटित होना दिया जाता है तो घटना पासे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होने की से प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। तो जो ऑलरेडी घटित हो चुकी उसको कहीं से मानते थे, भूल गए, ई से मानते थे, एफ से, एफ जो घटित हो चुकी उसको लिखते थे एफ से, और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी उसको लिखते हैं ई से, तो पी ई बाई एफ लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ से भाई, एफ। तो एफ घटना क्या कही इसने जो घटित हो चुकी, कौन सी है वो, पढ़ो जरा, पढ़ो पढ़ो। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना, कम से कम एक पट प्रकट होना, तो एफ क्या है हमारे पास, कम से कम एक पट, पट यानी टेल, प्रकट होना, यही तो है। और फिर मैं ई भी लिख देता हूँ, ई क्या है हमारे पास, ई बोलो क्या है, ई कहता है पासे पर चार से बड़ी संख्या प्रकट होना, पासे पर संख्या चार से बड़ी प्रकट होना, ये तो कही सुने बात। अब इनके बारे में लिखो आप क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कम से कम एक पट प्रकट होना, तो कम से कम एक पट का पट प्रकट होने का क्या मतलब हुआ भाई, बताओ जरा, पट यानी टेल, कम से कम एक टेल, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल में, ये तो सारे ही आ गए, और यहाँ ये भी आ गया, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं, कम से कम एक टेल तो, बाकी दोनों टेल भी हो तो भी चलेगा, लेकिन चलो एटलीस्ट वन टेल में सारे आ गए। तो कौन कौन से आ गए एटलीस्ट वन टेल में भाई, यहाँ से एच टी आया एक, तो नहीं आया, एक टी वन आया, टी टू आया, टी थ्री आया, टी फोर आया, टी फाइव आया, टी सिक्स आया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जरूरत पड़ेगी ना, तो यानी एफ की प्रोबेबिलिटी की आवश्यकता है, तो एफ वाले में प्रोबेबिलिटी भी आप निकाल दो लगे, इट इज एफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इस बार हमने क्या कर रखी, पहले लिख रखी। और ये बात तुम ग्यारहवीं से जानते हो, जब कोई घटना कंप्लीट होती है तो उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट के लिए, प्लस, ठीक है भाई, क्रम से संचय पढ़ा तुमने। 11 खिलाड़ियों की एक टीम बनाई जाती है, कम से कम चार लड़के लेने अनिवार्य है, तो कम से कम चार लड़के लिए और सात लड़कियां ली, एक टीम बन गई, तो जब तक वो कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ उनके बीच में क्या आती है, गुणा। लेकिन कम से कम चार लड़के के बाद क्या, अगले नंबर पे पांच लड़के लेंगे तो फिर क्या आता था, याद आ रहा कुछ कुछ, यहाँ भी वही चीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी एफ के लिए एच टी की प्रोबेबिलिटी, एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई हमारे पास, पर देखो 1/4 प्लस टी वन, टी वन की कितनी है, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, ठीक है, ये जोड़ दी होगी इसने, कितनी आ गई एक बार देखोगे जरा, हाँ ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आ गई 3/4, तो इसकी कैलकुलेशन जब आप करोगे कितनी आ गई, 3/4, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी पहले ही हमने निकाल रखी है ना, तो यहाँ ज्यादा कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं हमें। अब यहाँ आओ ई पे, तो ई के अंदर कौन कौन सी आएंगी घटना भाई बताओ, पासे पर संख्या चार से बड़ी प्रकट हो, चार से बड़ी प्रकट हो, तो चार से बड़ी में कौन कौन सी, पांच और छह, तो इसमें भी यही आ रही, तो कौन कौन सी आ गई भाई, टी फाइव और टी सिक्स। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की कहीं जरूरत पड़ेगी क्या तुम्हें फॉर्मूले में, हाँ कहाँ पड़ रही बता, नहीं पड़ रही, कहीं की जरूरत पड़ रही, ई इंटरसेक्शन एफ, नहीं समझे, हाँ। भाई जब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी की जरूरत ही नहीं हम क्यों निकाले, तब हम क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ तब ई इंटरसेक्शन एफ, और ई एफ एफ में कॉमन देखो क्या है भाई, टी फाइव टी सिक्स, तो टी फाइव और टी सिक्स क्या आ गए यहाँ कॉमन, आगे टी फाइव टी सिक्स कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, टी फाइव की कितनी थी भाई 1/12, टी सिक्स की कितनी 1/12, तो 2/12 यानी 1/6, ठीक। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, यहाँ कितना आ गया 1/6,
और यहाँ कितना आया 3/4, 4 ऊपर चला गया, 4 अपॉन 3 इंटू 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 अपॉन 9, दिस इज द आंसर, चेक करो, दिस इज द, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, हाथ थक गए, ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई सबको, कोई समस्या का विषय नहीं है। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, प्रायिकता का गुणन नियम, अच्छे से समझ लियो इनको, अगर तुमने इनके कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो प्रोबेबिलिटी आसान और प्रोबेबिलिटी मान के चलो 8 से 10 नंबर के, ठीक है, कुछ पोर्शन बाद का कटा हुआ है तो उस पर जब पहुंचेंगे तब की तब बात करेंगे, फिलहाल आप लिखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, लिखना क्या समझना ही है तुम्हें, तो बस तुम्हें तो समझना क्या, तुम्हें तो आराम से बैठना है, लिखो भाई मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, देखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम होती क्या है, पहले आप इसको समझ लें, ठीक है, तुम्हें तो समझ नहीं है, तो देखिए होता क्या है, अभी तुमने पढ़ी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से प्रतिबंध प्रायिकता, पढ़ी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अभी अभी पढ़ा तुमने, ज्यादा देर तो नहीं है, यहाँ तुम देखते थे ई और एफ दो घटनाएं हुआ करती थी, क्या होती थी ई व एफ दो घटना होती थी, और ये जो ई बाई एफ है इसको क्या कहते थे हम, कि भाई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, जबकि एफ घटित हो चुकी है, ये था ना, अब इसका मतलब बताओ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन का मतलब और था या था, सोच लो, इंटरसेक्शन का मतलब या, इंटरसेक्शन का मतलब या था या और था, सोच लो, एक होटल पर एक बस आकर रुकी, ठीक, कुछ लोगों ने चाय ले ली, कुछ लोगों ने कॉफी ले ली, कुछ लोगों ने दोनों ले ली, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कौन होते थे, दोनों ने जिनके हाथ में चाय और कॉफी, और कॉफी तो और अभी तुम क्या बोल रहे थे, या इंग्लिश में वो तो यहाँ बोलो ना, मैंने इसलिए हिंदी में लिखाया, मुझे पता था तुम फिर बाद में पलट जाओगे, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, तो एक आदमी चाय और कॉफी दोनों पीता है तो उसको हम क्या बोलते थे, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, देखो ई बाई एफ का जो मतलब था घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, जबकि एफ घटित हो चुकी है, और इसका मतलब था ई और एफ, ई तथा एफ, ठीक है, और कह लो तथा कह लो एंड कह लो, ठीक है, और एफ तो एफ है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकाई करी तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई, नहीं लिख सकते ऐसे, बस यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, लेकिन इतने से बात समझ में नहीं आएगी और ना ही इतने से बात बनेगी, अभी मैं इसका एक उदाहरण तुम्हें बताता हूँ फिर तुम्हारी समझ में आएगी, ठीक है, फिलहाल आप ये माने कि यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, बस उसको पलट के लिख दिया, यहाँ जो आपने लिखा क्या लिखा कि ई तथा एफ, सुनो, चाय तथा कॉफी को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ, चाय कॉफी दोनों पीने वाले, हाँ, नहीं बोल सकता, हाँ, तो ऐसे ही यहाँ घटना ई व एफ दोनों के घटित होने की प्रायिकता, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ, ई एफ चाय कॉफी दोनों पीने वाले, ई एफ यानी ई एफ दोनों घटना घटित होने वाले, ऐसे नहीं लिख सकता, तो आप इंटरसेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, और इसका मतलब हुआ कॉफी पीने वाले
इसका मतलब हुआ कॉफी पीने वाले लोगों की प्रायिकता, और इसका क्या मतलब हुआ भाई, बोलो कोई भी बताओ। दोनों ना भाई, बात हजम नहीं हुई कुछ, दोबारा सुनो। इसका मतलब क्या हुआ, चाय कॉफी दोनों पीने वालों की प्रायिकता। इसका मतलब हुआ कॉफी पीने वालों की प्रायिकता। इसका मतलब बताओ क्या है, कॉफी पीते हैं और चाय नहीं। चाय पीने वालों की प्रायिकता जबकि वो कॉफी पी चुके हैं, नहीं कॉमन घटना घटित हो चुकी है। हाँ। F means कॉफी, E means चाय। इसका क्या मतलब हुआ, चाय कॉफी दोनों पीने वालों की प्रायिकता ज्ञात करो या है। इसका मतलब हुआ कॉफी पीने वालों की प्रायिकता, F कॉफी है। इसका मतलब क्या हुआ, चाय पीने वालों की प्रायिकता जबकि कॉफी पी चुके हैं। ओके, क्लियर है बात। अब इस बात को हम एक उदाहरण से इसको जोड़ते हैं। देखो मैं तुम्हें पहले बता चुका, जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ो, जब भी तुम कुछ नया काम करो और वो समझ में कम आए, तो उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा तुम पुराने कार्य से जोड़ दो। तो जब वो पुराने से जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा, जब भी तुम कुछ नया कार्य करो। ठीक है, अब इस कार्य को हम एक उदाहरण से जोड़ते हैं, जो उदाहरण तुमने पहले भी पढ़ रखे। अब देखो उदाहरण क्या है, तो किताब का इसलिए बता रहा ताकि घर जाके देखना पड़े समझ में। एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंदे हैं। हाँ भाई, ये एक कलश है, इस कलश में 10 ब्लैक और 5 व्हाइट गेंदे हैं। ठीक है, दिख रहा भैया, एक कलश में 10, अभी क्या लिख दिया मैंने, ब्लैक। हाँ ठीक है, 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स है। क्या कहा इसने पढ़ने जरा आगे, जल्दी बताओ। अरे जल्दी, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है। कलश यानी घड़ा, एक घड़े में 10 सफेद गेंदे डाल दी और 5 काली डाल दी। ठीक है, जरा कोरोना काल चल रहा, नहीं तो ये चीजें प्रैक्टिकली भी तुम्हें बताते हैं। क्या था, पथरी वथरी डाल लेते हैं कहीं भी, उसको उठा लेते हैं। ठीक है, कोरोना में तो क्या है, जितनी चीजों को छूने से बचे उतना ही बेहतर है। चलो, तो ये एक कलश है, घड़ा है, जिसके अंदर हमने 10 सफेद बॉल डाली और 5 काली, और ऐसे हाथ दिया और ऐसे निकाली। कितनी बॉल निकाली, दो, दो एक के बाद, लेकिन दो एक साथ नहीं निकाली, एक के बाद। पढ़ो, एक के बाद एक, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती। आगे पढ़ो क्या कहा, पहली गेंद दूसरी की निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती, पहली गेंद दूसरी को निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। यानी आपने एक गेंद निकाली, उसको वापस नहीं रखा, उसको वापस नहीं रखा और दूसरी फिर निकाली। तो ये दो गेंद निकालने का प्रोसीजर रहेगा यहाँ। आगे पढ़ो, यहाँ तक की बात क्लियर है ना। चलो आगे पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं। मान लीजिए कि कलश में से पट्टे गेंद का निकालना संभव है। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? तो दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या? ओके, पहले तो आप ये समझे कि गेंद निकालने का प्रोसीजर क्या था। प्रोसीजर ये था कि घड़े में हाथ दिया, एक गेंद निकाली बाहर रखी, फिर घड़े में हाथ दिया वो वापस नहीं रखी, और दूसरी गेंद निकाली और बाहर रख दी। और दोनों गेंद कैसी होनी चाहिए, काली। तो इसका मतलब दो घटनाएं होगी हमारे पास। तो पहली घटना को मैंने क्या लिखा, ई। ई क्या मान ली, पहली काली गेंद निकालने की घटना। ई को क्या मानी हमने, पहली काली गेंद निकालने की घटना। और एफ को क्या मानी हमने, दूसरी काली गेंद निकालने की घटना। पहली वापस तो नहीं रखी, ये तो तुम्हें पता ही है। हाँ। चलो, यहां तक की बात समझ में भी आ गई होगी। मैं इसको किसी प्रायिकता की जो थ्योरम पढ़ाई है उनसे कोरिलेट नहीं कर रहा किसी को। एक सिंपल क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये एक सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसकी मुझे प्रायिकता बता दो कितनी होगी। जब आपने एक घड़े में हाथ दिया और एक गेंद निकाली और वो काली आ गई, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 10/15।
दस बटे ठीक है। जब तक कोई इवेंट पूरी ना हो बीच में क्या आती है गुणा, ये बात अभी सीख चुके तू। तो ये क्या है पहली गेंद निकालने की प्रायिकता, गुणा पहली गेंद वापस नहीं रखी ध्यान रहे, दूसरी गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ कितनी, नौ बटे बोलो बोलो चौदह, पहली वापस नहीं रखी भूल गए तुम तो भाई, दस थी ना काली गेंद हाँ। तो दस बटे पंद्रह होगी, अब जो बाहर रख दियो तो वापस हमने रखी ही नहीं, तो अब कितनी रहेगी काली, नो टोटल कितना रह गया ठीक है, आंसर कितना आ गया नब्बे और पंद्रह गुणा चौदह, ये हमारा आंसर आ गया ओके। ये एक सिंपल तरीका हो गया क्वेश्चन करने का, अब इसी को हम काहे से करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से। अब देखो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे मैं लिखा रहने दे रहा ताकि इससे तुम्हारी समझ में आए, अब मैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से यहाँ करूंगा इसको। ई क्या थी भाई, पहली काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगी, दस बटे पंद्रह। यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को दिक्कत ना आई। उसके बाद एफ क्या थी भाई, दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता, जबकि पहली निकल चुकी है। इसे ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे भाई, अगर वो वापस डाल देता फिर कोई समस्या नहीं थी, वापस तो नहीं डाली तो इसलिए अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा, समझ गए ना क्यों लिखा। तो अब इसको क्या बोलूंगा मैं, दूसरी काली गेंद निकालने की प्रायिकता जबकि पहली निकल चुकी है, नहीं बोलूंगा हाँ। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, नौ बटे चौदह। अब मुझे फाइनली कहीं की प्रायिकता निकालनी भाई, दोनों काली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहली काली गेंद निकालने की घटना को मैं ई से लिखता हूँ, दूसरी काली गेंद निकालने की घटना को एफ से लिखता हूँ, दोनों काली गेंद निकालने को ई एफ, नहीं समझे। चाय पीने को मैं ई से लिखता हूँ, कॉफी पीने को एफ से लिखता हूँ, चाय कॉफी दोनों पीने वाले को इंटरसेक्शन एफ लिख दो या नहीं समझे। इसी प्रकार पहली गेंद को मैं ई से लिखता हूँ, दूसरी को एफ से लिखता हूँ, और दोनों को ईएफ से नहीं लिखूंगा भाई, तो मैं क्या लिखूंगा ऐसी भाई, दोनों काली गेंद निकालने की घटना को कहां से लिखना पड़ेगा, ईएफ से लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या ज्ञात करनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईएफ, ये तो मतलब हुआ। अरे सुमित मेरा समझ आ रही बात भाई, पहली को मैं ई से लिखता हूँ, दूसरी को एफ से लिखता हूँ, तो दोनों को निकालने को ईएफ से नहीं लिखूंगा, और ईएफ का क्या फॉर्मूला है हमारे पास बोलो, अभी नहीं पढ़ा ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, मतलब पलट दिया इसको, अरे एफ पहले लिखा तो ई बाई एफ आएगा, ई पहले लिख दो तो एफ बाई ई आएगा, बात तो वही हुई। तो रखो मान भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना था हमारे पास, दस बटे पंद्रह गुणा गया नौ बटे चौदह। जब तुमने सिंपल तरीके से करा तब भी यही आया, अब मुझे उम्मीद है कि गुणनफल पर में जो है गुणन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लोगों को क्लियर होगी होगी, ये अभी भी कोई समस्या लग रही है तो उदाहरण से जुड़ गई हो, मुझे उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी ओके। अब बात ये आती है कि ये तो घटना दो की बात थी भाई, घटना तीन भी तो हो सकती है, अरे बोलो भाई, ये तो घटना दो की बात थी लेकिन घटना क्या हो सकती है, तीन भी हो सकती है। तो आप नोट करोगे यहाँ, यदि घटना ई एफ जी हो, यदि घटना ई एफ जी हो ओके, तो अगर ई एफ जी होगा तो थ्योरम जो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, इसको आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जबकि ई क्या हो चुकी, घटित हो चुकी, उसके बाद क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जबकि ई और एफ दोनों घटित हो चुकी, समझ गए आप लोग।
और ये जो ई एफ ए इसको आप इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको गुणन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब आपको समझ ही चुके आप डायरेक्ट भी इसको ई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई सबको, गुणनफल पर में क्लियर हुई सबकी। देखो भाई कंसेप्ट क्लियर करना, थ्योरी अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, थ्योरी अगर क्लियर नहीं है फिर कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक होगी बात। अब आप लिखें स्वतंत्र घटनाएं। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है भाई, स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है, तो मैं इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में आपको सिखाना चाहूंगा, समझाना भी चाहूंगा होती क्या है। वैसे तो बातों से ही क्लियर हो रहा कि भाई स्वतंत्र घटना क्या है। देखो मान लो मैंने कहा विजय को, विजय तू मार्केट में जाओ एक समोसा लेके आ। जैसे ही विजय उठा समोसा लाने के लिए वो एकदम सचिन विश के साथ उठ पड़ा। मैंने इसे कहा रुक जा तू कहाँ जाएगा। इसने कहा ना ये जाएगा तो मैं जरूर ही जाऊंगा, तो इसके साथ बंद गया। लेकिन अगर मैं नीतू कहता हूँ अकेली चली जाएगी, या सुमित मेरे को आई होगी अकेला जाके ले आएगा। तो ये जो दोनों विजय और सचिन है ये दोनों स्वतंत्र घटना नहीं है, ये कैसी है अस्वतंत्र, प्रतंत्र कह दो चलो। हाँ। ये एक दूसरे पे डिपेंड है, ये चलेगा तो ये जरूर चलेगा उसके पीछे, समझ गए ना। हाँ। मतलब आप लोग अगर कोई भी टॉपिक समझना चाहते हो तो उसको आप रेगुलर लाइफ से जोड़ो, रेगुलर लाइफ से जो चीज जुड़ गई वो समझ में आ गई, तुम्हारे दिमाग में फिट बैठेगी। अब जब भी तुम स्वतंत्र घटना तुम्हारे याद आएगी या समोसे वाली कहानी याद आ जाएगी एकदम, नहीं आएगी विजय चला तो ये भी चल पड़ा इसके साथ, तो ये स्वतंत्र नहीं हुई। लेकिन मैं इनमें से किसी को भेद नहीं, अकेले जाएंगे और ले आएंगे तो ये स्वतंत्र है। ये अपना अलग ला रही समोसा, ये अपना अलग ला, कोई दिक्कत नहीं। इसके समोसे का इस पे कोई प्रभाव नहीं, इसके का इस पे कोई प्रभाव नहीं, यहाँ प्रभाव पड़ रहा, यहाँ विजय जा रहा तो इसके साथ जरूर जा रहा। ठीक है, अब इसी चीज को करते हैं गणित की भाषा में। अब तक तो कहानी के रूप में सुन लिया, तो कहानी भी सुननी जरूरी है। कहानी इसलिए जरूरी है एक चीज को तुम्हें कैसे समझाया जाए समझ में नहीं आता, और वही चीज तुम्हें मूवी के माध्यम से दिखा दी जाए। तुमने तानाजी मूवी देखी है? नहीं देखी। तानाजी, ये चलो इससे पहले इतिहास पर रिलेटेड कोई और तो देखी होगी, लक्ष्मीबाई या जो भी कुछ है, झांसी की रानी रूनी कोई चीज देखी होगी। नॉर्मल तुम्हें झांसी की रानी की कहानी सुना दे तुम्हारी समझ नहीं आएगी। नहीं सॉरी, झांसी की रानी अगर तुम्हें चैप्टर में पढ़ाएंगे उतना मजा नहीं आएगा ना, तुम्हारी समझ आएगी। तो तुम उसकी मूवी देख लो, क्या होगा वो सारी याद रहेगी। वो घोड़ा वहां से कूदा था, वो नाला टाप नहीं पाया, वो मर गया, घोड़े का नाम ये था वो था, सब सब याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने मूवी के माध्यम से खुश होके देखी, बिल्कुल प्रसन्न मन से। तो प्रसन्न मन से जो भी काम हो वो समझ में भी आता है और देर तक याद भी रहता है। इसीलिए स्वतंत्र घटना समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें तुम्हें बताई। अब देखो स्वतंत्र घटना कैसी तुम्हारी समझ में आती है। स्वतंत्र घटना के लिए हमने ताश के पत्तों की एक गड्डी ले ली। ठीक है भाई, स्वतंत्र घटना के लिए हमने ताश के पत्तों की एक गड्डी ले ली। ठीक है, अब इसने कहा यदि ई तथा एफ क्रमशः निकाला गया पत्ता चिड़ी का है। ई जो घटना है वो क्या है भाई, निकाला गया पत्ता चिड़िया का है। हाँ भाई सुन लो रे, निकाला गया पत्ता चिड़िया का है। एफ क्या है भाई, निकाला गया पत्ता एक इक्का है। एफ जो है निकाला गया पत्ता एक इक्का। ठीक होगी बात यहाँ तक। हाँ भाई एक मिनट रोकना जरा इसको, पॉज पॉज।